दोस्तों आज हम आपको नए बिजनेस के बारे में बताएंगे। शायद ही किसी ने यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे इस बिजनेस के बारे में बताया होगा, क्योंकि जो इस बिजनेस के बारे में हम बता रहे हैं, जो रोज का प्रोडक्ट, रोज होने वाला प्रोडक्ट है, डेली दोनों टाइम यूज होने वाला प्रोडक्ट है, आप इस बिजनेस को अगर करते हो तो 110% आपको लाभ मिलेगा और दिन के आप आसानी से 2 से 3 हज़ार रुपये अपने ही घर से कमा पाओगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सब्जी के बिजनेस के बारे में, क्योंकि सब्जी का बिजनेस आपको पता है, सब्जी हर घर की यूज होने वाला प्रोडक्ट है और वो भी दोनों टाइम। सो दोस्तों आप लोगों को पता है आजकल हर कोई चाहता है कि हमें जैविक खाद की सब्जी मिले, आप हर कोई चाहता है कि सरकारी सब्जी, जो देसी सब्जी है, मुझे देसी सब्जी, हर कोई चाहता है कि मुझे देसी सब्जी मिले, चाहे वो 2 रुपया महंगी क्यों नहीं, महंगी क्यों ना मिले। तो हम चाहते हैं कि अगर आप इस तरह से सब्जी का व्यवहार करते हो, अपने खेत पर सब्जी उगाते हो, तो आपको 100% आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर आप 2 रुपया महंगी भी बेचोगे तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि आजकल सरकारी खाद द्वारा सब्जी पैदा होने लगी है। हर कोई चाहता है कि देसी और जैविक खाद से हमारी सब्जी पैदा हो, और हर कोई चाहता है, क्योंकि जैविक खाद और अपने घर की जो जैविक खाद की जो सब्जियां होती हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट और लाभदायक होती हैं। आप लोगों को पता है कि जैविक खाद से जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो बहुत ही लाभदायक और बहुत ही उसमें विटामिन पाया जाता है, और आजकल की जो सब्जियां जो सरकारी खाद से वो उग रही हैं वो उसमें नुकसानदायक सब्जियां हैं और लोगों को काफ़ी हानि पहुंचा रही हैं। सो इसलिए हर कोई चाहता है कि जैविक खाद घर से ही सब्जी उगाएं और अपने जो नज़दीक के मार्केट, अपने गांव-गांव में सेल करें और अच्छा खासा मुनाफा पाएं। इसके लिए आपको अपने घर से देसी सब्जियों को बीज खरीदना होगा, और देसी आप यूट्यूब पे सर्च करके किसी भी होलसेलर से बात करके आप देसी सब्जियों का बीज ले मंगवा सकती हो, और अपने जो आपके खेत में आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने खेत से 50 डिसमल से भी सब्जी का व्यापार कर सकते हो। अगर आप 50 डिसमल में भी अपनी सब्जी लगाते हो और आप देसी सब्जी लगाते हो, देसी तरीके से खाद का, गोबर का खाद का प्रयोग करके आप सब्जी उगाते हो, तो लोगों को काफ़ी पसंद आएगी आपकी सब्जी। और अब बात करें मार्जिन की, तो आप उसमें अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो, अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, क्योंकि आजकल आपको पता है देसी सब्जी, जो देसी सब्जी होती है वो बहुत ही कम उग रही है। और अगर आपके गांव देहात में, आपके इलाके में आप खुद जैविक खाद, खाद गोबर की खाद से, जो जैविक खाद बोलते हैं, उससे अगर आप अपना जो बिजनेस करते हो सब्जी का, तो बहुत ही चलने वाला बिजनेस है। इसके लिए आपको आज से ही शुरू करना चाहिए, अपने घर पे अपने खेत में सब्जी का, सब्जी लगाना चाहिए, इसके बाद सब्जी का व्यापार कर सकती हो और मोटी कमाई कर सकती हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 50 डिसमल से शुरू करते हो तो आप आने वाले समय पे आप यही सोचोगे कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ सब्जी का धन, सब्जी ही पूरे खेतों में लगाना है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से, सही ढंग से सब्जी लगाना सीख जाते हो और उसका बिजनेस करना सीख जाते हो, तो आप महीने के लाखों रुपया कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं और कर रहे हैं, तो आप भी करिए। और अगर आप नहीं चाहते कि हम ना अपना सिर्फ और सिर्फ हम अपने खेतों में जो सब्जियां ना उगा कर, अगर आप चाहते हैं कि देसी सब्जी, और अगर आप चाहते हैं सरकारी सब्जी भी बेच कर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मार्केट होता है, उस मार्केट से, होलसेलर से आप सब्जियां खरीदिए। सब्जी खरीद कर आप चाहो तो अपने घर पर ही बेच सकते हो, घर पर ही एक स्टॉक लगा कर आप अपना अपने घर के आगे आप छोटा सा टपरा बना लीजिए, उसके नीचे स्टॉक बाई स्टॉक अच्छे बढ़िया
ऐसे टोकरी से बना लीजिए, उसमें आप 10 प्रकार की यहाँ हरी सब्जियाँ रखिए। और जो अगर आपके आपका अगर आपका घर आप रोड के किनारे रहते हो तो आपको बेहतरीन मौका है, आपका रास्ता जो रोड है वो काफ़ी चलता होगा, तो आप दिन के 2 से 3 हज़ार रुपये आसानी से सब्जी बेचकर कमा सकते हो। हरी सब्जियां 10 प्रकार की सब्जियां रखिए अपने घर के सामने, और लोग चलते रोड पे हो निकलेंगे तो वो सब्जियां जरूर खरीदेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है मार्केट से ज़्यादा भीड़ भाड़ से ज़्यादा लोग रास्ते में सब्जियां खरीदते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हाईवे के किनारे जो जो मार्केट से जो मेन मार्केट होता है उससे थोड़ी दूरी पर जो एकांत में दुकानें लगी होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, वो सबसे ज़्यादा सेलिंग करते हैं, क्योंकि लोगों को भीड़ भड़ाका पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि हम एकांत में जहाँ मेरी गाड़ी या बाइक रुकने की सुविधा हो वहाँ एकांत में वो सब खड़ी करके सामान ले सके। आप लोगों को पता है मार्केटों में गाड़ी और चार पहिया वाहन की खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए लोग जो रोड के जो मार्केट से बाहर होता है दुकान उसी से खरीदना पसंद करते हैं, और वहाँ सब्जियाँ भी सही रेट पर मिल जाती हैं, और इसके बाद वहाँ और अच्छी व्यवस्था से भी सब्जियाँ रखी होती हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ भड़क्का नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होती, वो सजा कर सब्जियाँ रखते हैं, आपको पसंद भी आती हैं और आप लोग खरीदते हैं। तो इस तरह से आप अपनी सजावट रखिए, साफ सफाई रखिए, सब्जियाँ अच्छी तरह से सजा कर रखिए, आप निश्चय ही दिन के 2 से 3 हज़ार रुपये आसानी से अपने घर से ही कमा सकती हो। और आपको एक रास्ता और है, अगर आप ये नहीं चाहते आपका गांव में बीच गांव में घर है तो आप एक काम करिए, आप मार्केट से होलसेलिंग से सब्जी उठाइए हरी, आप 10 प्रकार की सब्जी उठाइए, डेली सब्जी उठाइए और डेली अपने आसपास के गांवों में जा कर बेचिए। अगर गारंटी से आप दिन के मरी हालत में भी आप 1000 से 1500 रुपये कमा पाओगे, वो भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 हज़ार रुपये लगाकर, तो आप सोचिए कितने अच्छा मार्जिन है, अच्छी खासी कमाई है। सो गुड दोस्तों, हम इसी बिजनेस के बारे में बात करने वाले थे जो आप लोगों को बता दिया। सो अगर हमारा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।